जब मल्लिकार्जुन खड़गे बोलते बोलते क्या बोल गए कि उन्हें फिर चेयर पर जो बैठे थे उन्होंने टोका है, जरा इसे सुनिए मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वित्त मंत्री को। एक्सपर्ट है मुझे मालूम है, तो उसी लिए माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है, तो उसी लिए आपकी बेटी के बराबर है, मैं अपनी बात रख रहा हूं, तो इसीलिए सर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। मच बिफोर आई रेस्पॉन्ड आई वुड लाइक टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड गो अवे इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है, तो उसी लिए माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर है, मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर है, तो इसीलिए सर। ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर सर, थैंक यू फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रेस्पॉन्ड। मच बिफोर आई रेस्पॉन्ड आई वुड लाइक टू मेक अ लॉट ऑफ नॉइस एंड गो अवे इन द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो माता जी बोलने में तो एक्सपर्ट है मुझे मालूम है, तो उसी तो माता जी नहीं आपकी बेटी के बराबर है, मैं अपनी तो आपकी बेटी के बराबर है, तो इसीलिए सर। संसद के बाद आपको लिए चलता हूं बिहार विधानसभा, जहां नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। पहले सुनिए जरा नीतीश कैसे एक महिला विधायक पर आग बबूला हो गए। ये लोग कोई महिला को, इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो? इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। अरे ऐसे ही बोल रहे, अरे क्या हुआ सुनोगे नहीं? हम तो सुनाएंगे, और अगर आप नहीं सुनिएगा तो आपकी गलती है। इन लोगों के साथ जो है ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के भाई, अब आपको बताऊं कि आखिर नीतीश कुमार क्यों इतना गुस्सा हो गए विधानसभा में। दरअसल विपक्ष विधानसभा में हंगामा कर रहा था, बजट में स्पेशल पैकेज के बाद विपक्ष बैकफुट पर था, क्योंकि नीतीश कुमार ने स्पेशल पैकेज का स्वागत किया था। नीतीश कुमार कांग्रेस पर भी हमला बोल रहे थे और आरजेडी पर भी, कांग्रेस पर बिहार को मदद नहीं करने का आरोप भी लगा रहे थे, इसलिए विपक्ष नीतीश सरकार को घेरने के बहाने ढूंढ रहा था। इसी सिलसिले में विपक्ष ने सदन में आरक्षण का मुद्दा उठाया, क्योंकि सरकार के 75% आरक्षण को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। इस मुद्दे पर जब वो बोलने के लिए उठे तो विपक्ष नारेबाजी करने लगा, जिसके बाद नीतीश कुमार गुस्से में आ गए, कहा 75% आरक्षण मेरी पहल पर दिया गया, हाईकोर्ट ने फैसला रद्द किया तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, केंद्र सरकार की मदद से हम इसे नवी अनुसूची में डलवाएंगे। इस दौरान आरजेडी के विधायक रेखा पासवान टोका टोकी करने लगी, टोका टाकी की उन्होंने, जिसके बाद नीतीश कुमार रेखा पासवान पर भड़क गए, कहा हमारी वजह से राज्य में महिलाएं आगे बढ़ी हैं, 2005 के बाद हमारी पहल से महिलाएं आगे बढ़ी, आप इसलिए ही बोल पा रही हैं क्योंकि हमने माहौल बनाया। अब सुनिए नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं इसके बाद और रेखा पासवान क्या कह रहे हैं। ये लोग कोई महिला को आगे बढ़ाया था? अरे हम 5 के बाद न महिला को बढ़ाए हैं, बोल रही हो? इसीलिए हम कह रहे हैं चुपचाप सुनो। महिला हर कदम पर पुरुष के साथ देते हैं, लेकिन इस तरह से बोल नहीं सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। महिलाओं के साथ, महिला आपकी बेटी के समान है, बहू के समान है, लेकिन इस तरह से माननीय मुख्यमंत्री, उम्र के ख्याल से हमको लगता है कि अनाप शनाप बोल देते हैं। पिछला बार भी सदन में बोले हैं, देखिए आज भी बोल दिए महिला के साथ।